दोस्तों, आप सबने ऐसी मशीन कहीं ना कहीं पर तो देखी होगी, किसी डॉक्टर के पास तो ज़रूर देखी होगी। जानते हैं कि इसमें इसका यूज़ क्या होता है, और ये जो है कोविड के टाइम में काफ़ी प्रचलित हो गया था। इसका कॉस्ट भी काफ़ी हाई हो गया था, लगभग 1500 के आसपास पड़ रहा था इसका कॉस्ट। तो अभी तो लो हो गया है, मैंने 600 से 650 के आसपास मुझे इसका कॉस्ट पड़ा है। ठीक है, तो आपके डॉक्टर इसे फिंगर में लगाकर SpO2 चेक करते हैं। तो जानते हैं कि SpO2 क्या होता है, आपके बॉडी में नॉर्मल रेंज क्या रहता है ऑक्सीजन का। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आज बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। ये शुरू करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? नॉर्मली नाम से ही पता चलता है कि पल्स ऑक्सीमीटर हार्ट रेट या फिर बॉडी में जो है ऑक्सीजन की लेवल को मेज़र करने के लिए हम इस एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। मैं इसे खोल के दिखा दूँ एक बार। ये रही मशीन। ठीक है, इससे हम SpO2 चेक करते हैं, यानी SpO2 का फुल फॉर्म होता है सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में ब्लड में जो है ऑक्सीजन अधिक या कम है उसको हम चेक करते हैं कि क्या लेवल है। ठीक है, इसमें डॉक्टर भी रखते हैं और नॉर्मली घर में भी इंसान आदमी यूज़ करने के लिए परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसे जो है कोविड में यूज़ किया गया है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ। इसका और नेबुलाइज़र का जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है कोविड-19 में। अब जानते हैं कि इसका यूज़ क्यों करते हैं हम। नॉर्मली जब किसी को फेफड़ों की बीमारी होती है, जैसे सांस रुकना या फिर सांस का फूलना, ठीक है, तो हम इससे चेक करते हैं कि उसका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में ब्लड में क्या है। इसका सही तरीका क्या है वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, और प्रिकॉशंस क्या है वो भी मैं बताऊँगा अभी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि पेशेंट जो है, सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी उंगली में हम इसे दे सकते हैं। कोई सा भी हैंड हो, लेफ्ट हो या राइट हैंड हो, उसमें जो है आपका इंडेक्स फिंगर दिख रहा है, इस फिंगर को, ठीक है, यहाँ पे अंदर डालेंगे। इसका रे जो है ऊपर से आएगा, रेड कलर का आपका दिखेगा, आप दिखाऊँगा अभी। ठीक है, ये इसका कुछ अंदर वाला भाग इस तरह, ये आपको लाइट दिख रही है अंदर, उससे लाल कलर की रेज निकलेगी। ठीक है, तो हम ये जो है नेल्स को हम ऊपर रखेंगे, यानी कि इस वाले भाग ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और किसी सतह पर हम इसे रखेंगे। ठीक है, अब इसे आप देख सकते हैं बीप हो रहा है। ठीक है, 30 सेकंड का काउंटडाउन होगा यहाँ पे मेरा, देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है SpO2 और PR दिखा रहा है, यानी कि पल्स रेट यानी हार्ट रेट भी दिखा रहा है। काउंटडाउन मेरा हो रहा है। बात करें इसके ऑक्सीजन लेवल की, तो 95 से 100% के बीच रहता है। अगर 95 से कम हो जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और बात करते हैं इसके हार्ट रेट की, तो ये 60 to 100 BPM तक रहता है। तो यहाँ पे फाइनली मेरा रीडिंग आ चुका है, SpO2 जो है 99% आया है मेरा, और पल्स रेट जो है 87 BPM आया है। ठीक है, तो नो इरेगुलरिटी फाउंड, यानी कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इसका मतलब यह है। ठीक है, तो आप जब भी इसमें फिंगर डालें, फिंगर को आप पहले साफ़ कर लें, आपके नेल्स जो है प्रॉपर साफ़ क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई पॉलिश वगैरह या फिर कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, वरना रीडिंग जो है उसमें ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, इसमें दो बैटरी सेल भी लगती है, ये है पीछे, अगर आपका सेल जो है डैमेज हो गया है तो इसका रीडिंग जो है रीडिंग में भी असर आ सकता है। तो सो आप कभी भी यूज़ करें तो इसके सेल का जो है चार्जिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, जब भी यूज़ करें आप इसको बड़ी सावधानी से यूज़ करें। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।